16 देखिए क्या कह रहा है कि थैला एक में तीन लाल और चार बैगनी गेंदे, थैला दो में चार लाल तथा पांच काली गेंदे हैं। ठीक है, तो इसमें तीन लाल और चार काली गेंदे, इसमें थैला सेकंड में चार लाल और पांच काली गेंदे। एक एक गेंद को थैला एक से थैला दो में स्थानांतरित किया जाता है और तब एक थैला दो से निकाली जाती है। एक गेंद थैला दो से निकाली जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहता ना तो अच्छा रहता, अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से, है ना। तब एक गेंद थैला दो से निकाली जाती है, तो निकाले गए गेंद की लाल रंग की होने की, लाल रंग की है, निकाला गया गेंद लाल रंग की है, तो स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता कहती है। थोड़ा आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पे दो थैले हैं, दोनों में यहाँ गेंदों की संख्या दी है, कह रहा है कि एक गेंद जो है ना पहले थैले से निकाली जा रही है और उसको स्थानित करके दूसरे थैले में डाल दिया जाता है, और फिर दूसरे थैले से एक गेंद निकाली जाती है और निकालने पे गेंद वो लाल रंग की है, तो स्थानांतरित किए गए गेंद की काली रंग की होने, यानी कि इसमें से इसमें जो गेंद डाला जा रहा है वो काली रंग के होने की उसकी प्रायिकता हमें यहाँ याद करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना E1 और E2, E1 और E2 क्रमशः घटना क्या मान लेते हैं, तो घटना मान लेते हैं कि लाल गेंद थैला एक से थैला दो में स्थानांतरित की गई। ये हम लोग ये मान लेते हैं E1, और फिर हम लोग जो E2 है उसको मान लेते हैं कि काली गेंद थैला एक से थैला दो में स्थानांतरित की गई को प्रदर्शित करता है। ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो अगर देखिए, अगर हम लोग E1 की प्रायिकता की बात करें तो E1 क्या है, E1 घटना है कि लाल गेंद थैला एक से थैला दो में स्थानांतरित की जा रही है। लाल गेंद एक जो है ना थैला एक से थैला दो में स्थानांतरित की जाती है, तो लाल गेंद इसमें कितनी है, तीन गो है और टोटल गेंदों की संख्या सात है, तो 3/7। अच्छा, E2 क्या कह रहा है, तो थैला एक से थैला दो में काली गेंद है, तो काली गेंद इसमें कितनी है, चार और टोटल है सात, तो इसकी 4/7 E2 की प्रायिकता होगी। अच्छा, हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना ए जो है घटना, ये क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो लाल गेंद यहाँ जो है लाल गेंद निकल है ना, तो लाल गेंद निकाली गई इसकी प्रायिकता को, निकाली गई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लाल गेंद निकाल गई इसको प्रदर्शित करता है। तो हम लोग अगर ए बाई में E1 की बात करें, यानी कि पहले थैले से निकल, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए बाई E1 की, तो हम लोग बात करें यहाँ पे कि पहले थैले से दूसरे थैले में एक लाल गेंद डाली जाती है और फिर उसके बाद हम लोग वहां पर जो निकाल रहे हैं लाल गेंद उसकी प्रायिकता की बात हो रही है। तो आप अगर इसमें से एक लाल गेंद इसमें डाल देंगे तो इसमें लाल गेंद 5 को हो जाएगा और टोटल गेंद 10 को हो जाएगा, तो 5/10 यानी कट जाएगा 1/2 इसकी प्रायिकता हो गई। अच्छा, अगर हम लोग ए बाई E2 की बात करें तो क्या किया जा रहा है, काली गेंद एक इसमें डाला जा रहा है और फिर एक गेंद इसमें से निकाला जा रहा है लाल गेंद, तो लाल गेंद ही ना निकल जाता है, तो लाल गेंद इसमें, अब इसमें काली गेंद जाएगा तो काली 6 और लाल आपका 4 ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4/10, तो 2/5 इसकी प्रायिकता होगी। चलिए, हमें क्या प्रायिकता निकालनी है, तो हमें दूसरे थैले से निकालनी है गेंद, दूसरे थैले से हमें गेंद निकालनी है, है ना जी, यानी हमें यहाँ निकालना है E2 और बाई ए, जो कि लाल गेंद निकल चुका है, पहले गेंद निकाले है जो लाल निकला है ना जी, पहले जो गेंद निकाला था वो लाल निकला है, तो हमें दूसरे थैले से गेंद निकालनी है,
E2 की प्रायिकता N2 में A बाई E2 की प्रायिकता बटा में यहाँ पर हो जाएगा आपका E1 की प्रायिकता N2 में A बाई E1 की प्रायिकता और फिर E2 की प्रायिकता N2 में A बाई E2 की प्रायिकता। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है। E2 की प्रायिकता 4/7 गुना में A बाई E2 की 1/2 नीचे हो जाएगा आपका E1 की प्रायिकता कितनी है 3/7 और गुना में यहाँ हो जाएगा A बाई E1 की प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगा आपका सॉरी हमने यहाँ गलत रख दिया है E2 की प्रायिकता कितनी है 4/7 और A बाई E2 की 2/5 ना है जी तो हम लोग 2/5 ना रखेंगे यहाँ पर 2/5। अच्छा फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 की प्रायिकता है आपके पास 3/7 और A बाई E1 की 1/2 प्लस A बाई E2 की प्रायिकता 4/7 और A बाई E2 की प्रायिकता 2/5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 8/35 और नीचे 3/14 और प्लस में 8/35 है कि नहीं तो नीचे एलसीएम ले लेंगे ऊपर 8/35 और नीचे एलसीएम हो जाएगा आपका कितना तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा इसमें से भाग करेंगे 5/5 15 प्लस इसमें से भाग करेंगे 2/8 16। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 8/35 और गुना में 70/31 इसको इसको काट सकते हैं 35 × 70 यानी कि 16/31 यहाँ से आंसर आ गया। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में ही तक रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।